जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, मौसम सच में आने वाली मूवीज़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बनाए हुए मूवीज़ जैसे KGF, बाहुबली उनके लिए सच में बिगड़ चुका है। बता दें कि शुरुआती 3 दिनों में पठान ने बैक टू बैक रिकॉर्ड बनाए हैं और बनाती हुई चली आ रही है, तो लगता है आने वाली मूवीज़ के लिए रिकॉर्ड तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरह यह मूवी 4th दिन भी धमाकेदार कमाई कर रही है, लगता है यह रिकॉर्ड तोड़ पाना किसी के भी बाप के बस की बात नहीं रहेगी। तो दोस्तों आज हम जानेंगे सुपरस्टार शाहरुख खान की 250 करोड़ के बजट में बनने वाली पठान मूवी अपने 4th दिन भी क्या कमाल कर रही है। और जैसा कि आप जानते हैं, पठान को 5,800 स्क्रीन्स पर इंडिया में रिलीज़ किया गया था, वहीं दुनिया भर में 7,700 स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया था। बताते चलें कि इंडिया के साथ साथ ओवरसीज़ में भी इस फिल्म को ऑडियंस से काफ़ी अच्छा रिव्यू देखने को मिल रहा है। और अब बात करें कि पठान मूवी के फर्स्ट डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो हिंदी बॉक्स ऑफिस पर पठान ने जहां 68 करोड़ की बम्पर ओपनिंग की थी, वहीं दूसरे दिन भी सभी लैंग्वेज को मिलाकर जैसे तमिल, तेलुगु और हिंदी को मिलाकर इस मूवीज़ का कलेक्शन 70 करोड़ के आसपास रहा, जिसने बाहुबली, RRR, KGF, ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और इस मूवीज़ का अब तक का वर्ल्ड वाइड ओवरसीज़ कलेक्शन भी लगभग 219 करोड़ रुपये रहा है और जिसने और भी नए नए रिकॉर्ड बना डाले हैं। और बात करें अमेरिका और गल्फ कंट्री जैसी कतर, कुवैत की जैसी कंट्रीज़ के बारे में, तो वहाँ भी इसने नए नए रिकॉर्ड टांग दिए हैं। और इस तरह इस फिल्म का 3rd दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 163 करोड़ के आसपास रहा, जो कि KGF बाहुबली से ज़्यादा हो रहा है। और ओवरसीज़ में देखा जाए तो 3rd दिन भी यह वर्ल्ड वाइड में टिके हुए है और 80 करोड़ के पास चल रही है। और इस तरह शुरुआती 3 दिन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म का उम्मीद से ज़्यादा रहा, जहाँ इसने 300 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली है। और अब बात करें इसके 4th दिन के कलेक्शन की, यानी आज की, तो उसमें भी ज़बरदस्त 40 करोड़ के करीब की एडवांस बुकिंग देखने को मिल रही है और मूवी आर सैटरडे का भरपूर फायदा उठा रही है। और आज यह मूवी लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करती हुई दिख रही है। और इसका 4 दिन का शुरुआती बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखा जाए तो वह 250 करोड़ के आसपास दिख रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और बात करें इसके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, शुरुआती 4 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 400 करोड़ के पार दिख रहा है। बताते चलें इस मूवी ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं, इसको तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं रह जाएगी और शायद किसी भी सुपरस्टार के लिए आने वाले वक्त में ये बहुत मुश्किल होने वाला है। बता दें कि 250 करोड़ के बजट से बनने वाली शाहरुख खान की पठान मूवी अपने शुरुआती 4 दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से अपना लागत से ज़्यादा निकाल चुकी है। तो दोस्तों यह थी अब तक की अपडेट। अगर आपको आप भी शाहरुख खान के डाई हार्ट फैन हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।